students, welcome back on Bhuri Nivita Priya Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss an essay, and the essay name is Meditations in Westminster Abbey. This particular essay is in BA, first year student syllabus of MBS University of English Literature, paper 2, but it's also important for every literature student. And this particular essay is written by Joseph Addison. Joseph Addison was a great English essayist, poet, playwright, and politician, and his lifespan is 1672 to 1790. His name is usually remembered alongside that of his long-standing friend Richard Still, with whom he founded the Spectator magazine. In the essay, the writer talks about his sense of humor, which is of a serious kind, meaning thereby that he preferred a serious humor. Whenever he was in a serious mood, or often walk up to Westminster Abbey, a gloomy, grave place where exists an atmosphere of sadness and silence, he sees the tombstones as a satire on mankind's ambitions, since all they tell him is the person's name and dates of birth and death, with nothing of what happened in between. So students, I hope you understand all these things. Students, ये जो ऐसे है ये लिखा है वेस्टमिंस्टर एबे, ऐसे का नाम है मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबे, जो कि लिखा है जोसेफ एडिसन ने. जोसेफ एडिसन बहुत ही अच्छे और ग्रेट एसेज और राइटर और पॉलिटिशियन थे. उनको उनके फ्रेंड रिचर्ड स्टिल के साथ में जाना जाता है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर द स्पेक्टेटर मैगजीन, एक बहुत ही अच्छी मैगजीन थी, बहुत ही फेमस हुआ करती थी उस टाइम में. तो उन दोनों ने ये इस मैगजीन को फाउंड किया था. किसने? रिचर्ड स्टिल और जोसेफ एडिसन ने. तो इन दोनों का जो नाम है वो साथ में ही देखा जाता है बहुत टाइम. ये जो ऐसे है मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबे, इसका क्या मीनिंग है? अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं तो मेडिटेशंस मींस अ प्लेस वेयर अ पर्सन मेडिटेट हिमसेल्फ, राइट. तो ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे एक इंसान अपने आप को यू नो लाइक सॉलिट्यूड में रहता है ना, और अपने आप को मेडिटेट करता है. और वेस्टमिंस्टर एबे जो है वो एक ग्रेवयार्ड, एक चर्च यार्ड है, ठीक है, एक ग्रेवयार्ड चर्च यार्ड है. तो वहाँ का मेडिटेशन मतलब वेस्टमिंस्टर एबे में मेडिटेशन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारा राइटर है वो ग्रेवयार्ड में जाके अपने आप को मेडिटेशन में ले जा रहा है या मेडिटेट कर रहा है, ऐसा नहीं. इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे राइटर ने ऑब्जर्व किया एक ग्रेवयार्ड में जाने के बाद, उसको जो फील हुआ वो उसने एक्सपीरियंसेस ऐसे में हमारे साथ शेयर किए. अब उसको फील क्या होगा? अगर आप सपोज कहीं भी किसी भी कब्रिस्तान में जाते हैं, किसी ग्रेवयार्ड में जाते हैं, और आपको जाने के बाद बहुत सारे आप यू नो लाइक ग्रेव्स को देखते हैं, और उसके बाद आपके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड में क्या क्या चलेगा, यार इतने लोग कैसे डेथ हो जाती है, इनकी ग्रेव कैसे बन जाती है, ये सब चीज़ें आएंगी. बट अगर हम थोड़े से इंटेलेक्चुअल होंगे तो हमें क्या समझ आएगा कि हम एक एक चीज़ को उनके इंस्क्रिप्टेशन को, उनके यू नो लाइक टॉम्स को, उनके एपिटाफ को, हम सबको रीड करेंगे, और उसके बाद हमें फील होगा कि यार कि यहाँ आने के बाद इंसान के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एंड हो जाता है. मतलब ऑल मिक्सड अप टुगेदर इन अ ग्रेवयार्ड, ठीक है. कि सपोज कोई बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग कर रहा है और कोई बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कोई बहुत टैलेंटेड है और कोई कुछ भी नहीं है, बट एक ग्रेवयार्ड में जाने के बाद ऑल सेम है ना, सब सेम हो जाती है चीज़ें. कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, इतना हो सकता है कि अगर कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का बंदा अगर उसकी डेथ हुई हो तो उसका जो एपिटाफ होगा उस पर कुछ ज़्यादा दो चार चीज़ें ज़्यादा लिख दी जाए, और जो बेचारा गरीब जो है जिसकी डेथ होगी, जो पुअर पर्सन है, उसके हो सकता है कि कुछ सिर्फ इतना ही लिखा जाए कि डेथ और उसका जो बॉर्न है. तो देखो लास्ट में आया भी है डेथ ऑफ बर्थ एंड डेथ विद नथिंग ऑफ व्हाट हैपेंड इन बिटवीन. इन बिटवीन उसने क्या किया, वो इंसान कितना भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता हो उसके बारे में नहीं लिख सकते एपिटाफ में. बस इतना ही लिखा जाता है कि कब बॉर्न हुआ, कब उसकी डेथ हुई है. नाम लिख सकते हो आप, पर उसने पूरी लाइफ में क्या किया, उसकी लाइफ की स्टोरी तो आप नहीं उतार सकते हो. तो कहने का मतलब यही है कि इस पूरे ऐसे में हमारे राइटर ने हमें ये दिखाया है कि एक ग्रेवयार्ड में जाने के बाद सभी इंसान जो है वो इक्वल है ना, कोई वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना तो कास्ट के बीच में है, ना स्टेटस के बीच में है, सब सेम है. तो ये चीज़ हमें इन्होंने बताई थी. अब हम इसका थोड़ा सा टेक्स्ट रीड आउट करते हैं, तब आपको समझ आएगा. आप अपनी जो बुक है उसको निकाल लीजिए, उसमें टेक्स्ट निकाल लीजिए मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबे का.
When I am in a serious humor, कौन कह रहे हैं? जोसेफ एडिसन बोल रहे हैं, When I am in a serious humor, मैं एक serious humor में जब होता हूँ, I very often walk by myself in Westminster Abbey. तो मैं बहुत बार अक्सर चला जाता हूँ कहाँ पे? Westminster Abbey, जो कि graveyard का नाम है. तो ये कहते हैं जब भी मैं ऐसे कोई मूड में होता हूँ, सीरियस टाइप मूड में होता हूँ, तो मैं बहुत बार अक्सर क्या करता हूँ, आई वेरी ऑफन वॉक बाय माई सेल्फ इन द सेंस अलोंग, है ना, खुद अपने आप में इंसान अकेला जो है वेस्टमिंस्टर एबे में वॉक करता है. वेयर द ग्लूमीज ऑफ द प्लेस एंड द यूज ऑफ विच इट इज अप्लाइड विद द सॉलिडिटी ऑफ द बिल्डिंग एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल हु लाइ इन इट are apt to fill the mind with a kind of melancholy. वहाँ जाने के बाद उसे क्या फील होता है? Westminster Abbey में वॉक करता है बहुत बार अकेले जब भी वो सीरियस मूड में होता है. Where the gloomies of the place, जहाँ उसे पूरा प्लेस ग्लूमी ग्लूमी सा नजर आता है, मींस एकदम शांति सी नजर आएगी, है ना, एकदम सुनसान सा नजर आएगा. देखो ऐसी चीज़ें जो होती हैं मेडिटेशन वाली जो चीज़ें होती है, जैसे रूम्स होगा, जैसे ग्रेवयार्ड्स होंगे, जैसे चर्च यार्ड होंगे, ये सब आपको लाइक बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ग्रूमी ग्रूमी से नजर आएंगे. वेयर द ग्रूमीज ऑफ द प्लेस एंड द यूज टू विच इट इज अप्लाइड विद द सॉलिडिटी ऑफ द बिल्डिंग. सॉलिडिटी ऑफ द बिल्डिंग इन द सेंस कि बिल्कुल शांति की बिल्डिंग से बनी हुई है, वहाँ बिल्कुल सुन सन्नाटा है. एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल हु लाई इन इट, और जो इंसान सोए हुए हैं, लाई इन इट, जो कि ग्रेव में सोए हुए हैं, मीन्स जो डेड बॉडीज हैं, जो लोग मर चुके हैं, वो अपनी ग्रेव में हैं, आर एप्ट टू फिल द माइंड विद अ काइंड ऑफ मेलंकोली. वो सब मुझे क्या कर रहे हैं, मेरे दिमाग को फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, किससे? मेलंकोली से. मींस ये सब देख के मैं मेलंकोली इन द सेंस कि दुख से भर देना, सैडनेस. तो वो कह रहा है कि मैं जब अपने ह्यूमर सेंस में होता हूँ, मैं जब अपने सीरियस मूड में होता हूँ, तो सीरियस मूड में मैं अलोंग वॉक करता हूँ कहाँ पे? एक ग्रेवयार्ड में जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर एबे. और वहाँ जाने के बाद मुझे सब कुछ ग्लूमी ग्लूमी सा नज़र आता है, सब कुछ शांति सी नज़र आती है. और वहाँ पे जो इंसान ग्रेव में लेटे हुए हैं, कहने का मतलब जो डेड बॉडीज हैं, जो ग्रेव्स बनी हुई हैं, उनको देख के मुझे बहुत मेलंकोली सा, बहुत सैडनेस सा फील होता है. फिल द माइंड विद अ काइंड ऑफ मेलंकोली और रादर थॉटफुलनेस दैट इट इज नॉट इज एग्रीएबल. और वो कहते हैं कि मुझे ये सब थॉटफुलनेस लगता है और ये डिसएग्रीएबल नहीं है. मींस मैं जो बात बोल रहा हूँ उससे आप डिसएग्री नहीं कर सकते. आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ऐसी जगह में जाने के बाद आपको भी कुछ ऐसा ही फील होगा, आपको भी कुछ मेलंकोलस फील होगा, आपको भी थॉटफुलनेस जैसा कुछ फील होगा. अगर आप सोचें तो आप ये बात डिसएग्री नहीं कर सकते. फिर कह रहा है आई यस्टरडे पास्ड अ होल आफ्टरनून इन द चर्चयार्ड. मैं बीते हुए कल में यस्टरडे को वॉक किया मैंने होल आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून में इन द चर्चयार्ड में. द क्लॉइस्टर्स एंड द चर्च अम्यूजिंग माई सेल्फ विद द टॉम्बस्टोन एंड इंस्क्रिप्शंस दैट आई मेट इन दोज सेवरल रीजंस ऑफ द डे. तो मुझे क्या फील हुआ, द क्लॉइस्टर्स एंड द चर्च, जो भी चर्च और क्लॉइस्टर्स थे, अम्यूजिंग माई सेल्फ, मेरे को एंटरटेन, मैं अपने आप को एंटरटेन कर रहा था, अम्यूज कर रहा था विद द टॉम्बस्टोन्स एंड इंस्क्रिप्शंस दैट आई मेट इन दोज सेवरल रीजंस ऑफ द डे. जो ये आया ना वर्ड इंस्क्रिप्शंस, इसका मीनिंग है कि जो भी आपके टॉम्ब पे, आपकी जो मकबरे हैं या जो भी आपका ग्रेव है, उस पर जो चीज़ें लिखी हुई है. तो वो कह रहा है कि मैंने यस्टरडे को होल आफ्टरनून ग्रेवयार्ड में वॉक किया और ग्रेवयार्ड में वॉक करते करते खुद को एंटरटेन किया. कैसे एंटरटेन किया? एंटरटेन का मीनिंग यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ एंटरटेन का मीनिंग है खुद का टाइम पास किया, खुद ने नॉलेज लिया उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर, है ना, उनको मैंने पढ़ा, अलग अलग ग्रेव्स को मैंने देखा, उनको रीड किया. आई यस्टरडे पास्ड अ होल आफ्टरनून इन चर्चयार्ड द क्लॉइस्टर द चर्च अम्यूजिंग माई सेल्फ विद द टॉम्बस्टोन एंड इंस्क्रिप्शंस दैट आई मेट विद इन दोज सेवरल रीजंस ऑफ द डे. तब मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला, इंस्क्रिप्शंस उसने रीड किए उनके इंस्क्रिप्शन, तो उनपे उनका जो डेथ ऑफ बर्थ है, मतलब जो भी उनका डीओबी वो लिखा हुआ था कि कब उनका बॉर्न हुआ है, कब उनकी डेथ हुई, तो वो सब उसने रीड किया. तो वो कह रहे मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं. मिला कैसे, किसके साथ में मिला? इंस्क्रिप्शंस के साथ. क्योंकि उसने इन एक्चुअल तो वहाँ कोई भूत तो थे नहीं कि वो उनसे मिला और बात की, उनके इंस्क्रिप्शंस उसने पढ़े.
उसके बाद बात करना है मोस्ट ऑफ देम रिकॉर्डेड नथिंग एल्स ऑफ द बरीड पर्संस बट दैट ही वाज बोर्न अपॉन वन डे एंड डाइड अपॉन अनदर। और जो जितने भी मैंने इंस्क्रिप्शंस देखे उनमें से मोस्ट ऑफ देम रिकॉर्डेड नथिंग एल्स ऑफ द बरीड पर्संस बट दैट ही वाज बोर्न अपॉन वन डे एंड डाइड अपॉन अनदर। तो सिर्फ उन्होंने मैंने जब उनको देखा ऑब्जर्व किया तो मुझे यही फील हुआ कि मोस्ट ऑफ देम ऐसे बहुत सारे टॉम्स और ग्रेव हैं जिनके सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उनकी जो बॉर्न की डेट है वो और उनकी जो डेथ की डेट है वही लिखी हुई है, सिर्फ यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ देम रिकॉर्डेड नथिंग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है उसमें एल्स ऑफ द बरीड पर्संस, जो इंसान मरा है उसके अलावा, बट दैट ही वाज बोर्न अपॉन वन डे जिस दिन वो जन्मा है एंड डाइड अपॉन अनदर और जिस दिन उसकी डेथ हुई है। तो सिर्फ उसका इतना ही रिकॉर्ड जो है उसमें लिखा गया है। द होल हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ बीइंग कॉम्प्रिहेंडेड इन दोज टू सर्कमस्टेंसेस दैट आर कॉमन टू ऑल मैनकाइंड। द होल हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ की जो पूरी हिस्ट्री है वो क्या हो गई है? कंपेरेटिव हो गई है इन दोज टू सर्कमस्टेंस दैट आर कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, जो कि सबके लिए कॉमन है, सभी मैनकाइंड के लिए कॉमन है। तो इट मीन्स जो इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं उन पे जस्ट उनका क्या लिखा हुआ है, डेथ और बॉर्न की डेट ही लिखी हुई है और जो उनकी पूरी हिस्ट्री है वो कुछ भी उसमें लिखी हुई नहीं है। आई कुड नॉट बट लुक अपॉन दीज रजिस्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस वेदर ऑफ ब्रास और मार्बल एज अ काइंड ऑफ सटायर अपॉन द डिपार्टेड पर्संस। और क्या है, आई कुड नॉट लुक अपॉन दीज रजिस्टर्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, उनके मैंने देखा उनके रजिस्टर्ड एग्जिस्टेंस के रजिस्टर्स मतलब उनके सिर्फ डेथ और उनकी बॉर्न के ही रिपोर्ट लिखे हुए हैं, वेदर ऑफ ब्रास और मार्बल, चाहे तो वो ब्रास से लिखे हुए हों और चाहे वो मार्बल से लिखे हुए हों, है ना, किसी से भी लिखे हुए हों, बट लिखा हुआ सिर्फ इंस्क्रिप्शन पे इतना ही है कि उनकी डेथ कब हुई है, उनका बॉर्न कब हुआ है, एज अ काइंड ऑफ सटायर अपॉन द डिपार्टेड पर्सन। और ये क्या हो गया, ये सटायर हो गया एक डिपार्टेड पर्सन पे, जो इंसान मर चुका है उस पर जैसे कि व्यंग्य कस दिया गया हो उन पर सटायर कर दिया गया, डिपार्टेड पर्सन इन द सेंस हु ऑलरेडी डाइड, हु हैड लेफ्ट नो अदर मेमोरियल ऑफ देम, और उनके पास कोई अदर मेमोरियल नहीं है, उनकी याद में कुछ और अदर मेमोरियल नहीं बना गया है, बट दैट दे वर बॉर्न एंड दैट दे डाइड, बस इतना ही है कि वो कब बॉर्न हुए और वो कब उनकी जो है डेथ हुई। हेरोइक पोएम्स हू हैव साउंडिंग नेम्स गिवन देम, सॉरी एक लाइन रह गई, दे पुट मी इन माइंड ऑफ सेवरल पर्सन्स मेंशन्ड इन द बैटल्स ऑफ हेरोइक पोएम, दे पुट मी इन माइंड ऑफ सेवरल पर्सन्स, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको और कुछ उनके बारे में लिखा गया, बट देखो कौन, दे पुट मी इन माइंड ऑफ सेवरल पर्सन्स मेंशन्ड इन द बैटल्स ऑफ हेरोइक पोएम्स who have sounding names given them for no other reason but they may be killed and are celebrated for nothing but being knocked on the head। तो ऐसे कुछ लोग जो कि बड़े बड़े योद्धा हैं, जो वीर हैं, उनका जो है वो भी inscriptions कैसा है, same ही है। They put me in mind of several persons mentioned in the battles of heroic poems। ऐसे बहुत सारी heroic poem हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े योद्धाओं के नाम आए हैं, who have sounding names given them, बहुत अच्छे अच्छे उनको नाम दिए गए हैं, for no other reason but that they may be killed, पर उनको नाम क्यों दिए गए हैं, क्योंकि वो मारे गए, and are celebrated for nothing but being knocked on the head, उनको celebrate क्यों किया गया, कि just कि वो शहीद हो गए। फिर ये जो दो लाइन्स आई है, ये वर्जिल और होमर की, जो वर्जिल की जो एनेड और वो है उनकी लाइन्स है ये, उन पे कुछ कुछ ये जो ग्लोकोम मेडोनेट ये जो नाम है ये सब किसके हैं, जो योद्धा थे, वीर थे, जिनका आप बोल सकते हैं कि हेरोइक जो पोएम्स हैं उनमें नाम आए थे। द लाइफ ऑफ दीज मैन इन फाइनली डिस्क्राइब इन हॉली रिड बाय द पाथ ऑफ एन एरो विच इज इमीडिएटली क्लोज अप एंड लॉस्ट। फिर नीचे बताया कि ये जो हीरोज है इनकी जो लाइफ थी फाइनली डिस्क्राइब इन हॉलीवुड, एक हॉलीवुड में मीन्स बाइबल में डिस्क्राइब की गई थी, बाय द पाथ ऑफ एन एरो, एक एरो बाय द पाथ ऑफ एन एरो, एक एरो के थ्रू विच इज इमीडिएटली क्लोज्ड अप एंड लॉस्ट, जो कि अब बिल्कुल खो गई है और
बंद हो गई और खो गई। सो ये जो है हमने आज इसका एक पैरा पढ़ लिया है। अभी इस ऐसे के पर्टिकुलर ऐसे के कुछ पैराज रिमेनिंग पैराज हैं जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो ऐसे है ये समझ आ रहा होगा। आप जस्ट इतना सा समझ लीजिए कि इसमें हमारा जो राइटर है वो यही बता रहा है कि एक जहाँ जैसे ग्रेवयार्ड में जाने के बाद ऑल मिक्सड अप टुगेदर, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो कास्ट हो चाहे स्टेटस की बात हो, सब सेम है वहाँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार ये थोड़ा एरिस्टोक्रेटिक है तो इसकी कोई अलग ग्रेवयार्ड, जाना तो वही है मरने के बाद सबको। तो ये इसमें बताया गया है और हम जब आगे पढ़ते जाएंगे तो इसको समझते जाएंगे। इतना आप इसको समझें। आप जोसेफ एडिसन का इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियस आपको प्रिपेयर करना ही है, तो आप इसको समझें। थैंक यू।